लद्दाख के गलवान में चीन की सेना से मुठभेड़ में 20 भारतीय शहीद सैनिकों को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सदस्यों ने स्थानीय निवासियों सहित अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद सभी हल्कावासी चीन के राष्ट्रपति का पुतला लेकर शहीदी स्मारक से बाजार होते हुए मेन चौक पर पहुंचे और उन्होंने शहीद अमर रहें व चीन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही चौक पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला भी फूंका गया। समाज सेवी आशीष चक्रपाणी ने रोष जताते हुए कहा कि चीन की सेना से मुठभेड़ में भारत के 20 सैनिकों की शहादत को पूरा देश गमगीन माहौल में नमन करता है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि शहीदों की शहादत का बदला लेने के लिए पूरा देश एकजुट है, इसलिए शहादत का बदला लिया जाए। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि चीन निर्मित सामान का बहिष्कार हो और चीन की सभी कंपनियों को वापस भेजा जाए ताकि चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा जाए, दोबारा चीन भारत देश की ओर आंख न उठा सके। विश्व हिंदू परिषद और एवं बजरंग दल प्रखंड पेहवा द्वारा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका गया है और विरोध प्रदर्शन किया गया है। गत दिनों जो गलवान घाटी में चीनी सेना द्वारा भारतीय सेना पर कायराना आक्रमण किया गया था, उसकी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पेहवा घोर निंदा करता है, भर्त्सना करता है। और इसके साथ साथ हम देशवासियों से ये आग्रह करते हैं कि चीनी सामान का बिल्कुल निश्चित तौर पर बहिष्कार किया जाए ताकि चीनी अर्थव्यवस्था को इससे क्षति पहुंचे और चीनी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए और भारत में वो इस प्रकार की हिमाकत अपनी विस्तारवादी नीतियों के द्वारा न कर सके। मैं आग्रह करता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी को भी, श्री नरेंद्र मोदी जी को भी, कि वो इस तत्काल प्रभाव से कोई इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाएं। और उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि चीनी सेना ने जो कायराना हरकत की है, विश्व मंच पर इसके विरुद्ध जो है आवाज उठाई जाए और ताकि चीनी एक थलग, चीनी जो देश है ये चीन, ये एक अलग थलग पड़ जाए। और इसी प्रकार मैं अपने सभी साथियों का ये आभार भी व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने जो है ये प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।